ये मेरी बालकनी की जो अवस्था है, छोटी सी बालकनी है लेकिन जो ख़राब हो रखी है, इसका 80% श्रेय जाता है मेरे बिल्लों को, जो कि पूरा उध्वस्त कर देते, पूरा अस्त व्यस्त कर देते। ये घोटिया मम्मी व्हाट आर यू डूइंग घोटिया, काय करतोय? नाही 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 नाही, तसं नाही खायचं। सुबह सुबह, आज संडे है तो मैंने सोचा थोड़ा बालकनी में देख लूँ जाके क्या हाल है पौधों का। और आप देख सकते हो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। ये एक नंबर का फूल है, ये दो नंबर फूल है, ये तीसरा नंबर फूल। फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मेरा मनी प्लांट, दो प्रकार का मनी प्लांट है। देखो गोल्डन मनी प्लांट सूख चुका है, उसको धूप सहन नहीं हो रही है शायद। दिस इज इंग्लिश आईवी, दिस इज मार्बल क्वीन। इस मार्बल क्वीन कहते हैं, आई डोंट नो। कैट्स जाके इन बास्केट्स में भी बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा ख़राब हो चुका है ऊपर से। और दूसरी बात, उनको धूप भी सहन नहीं हो रही है मनी प्लांट्स को। ये फ्लावर आईवी, इपोमिया आई गेस इसका नाम, बहुत ही खूबसूरत एकदम डार्क मजेंटा कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। और अभी इसमें कलियाँ खिली हुई है, थ्रू आउट द ईयर आते हैं लेकिन ठंडी में या सर्दी में ज़्यादा इसका सीज़न होता है। तो जब मैंने लाई थी तो जहाँ से पौधा खरीदा था वो पौधे पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था इसलिए मैं उठा के लाई थी। लेकिन बाद में वो सारे फूल मतलब झड़ जाने के बाद, बहुत दिनों बाद, मतलब दो महीनों बाद इनमें कलियाँ आई हुई है अभी। सो आई एम वेरी हैप्पी, ये बहुत ही खूबसूरत है और पूरा भर जाने के बाद बहुत ही बढ़िया दिखता है। और मैंने ये पौधा कुंडी में लगाया है, हमारे यहाँ पे ये जो गमला होता है उसको कुंडी बोलता है मराठी में। और ये हमारे गाँव की जो छोटी सी सरसों होती है ना, वो भिगोई थी मैंने, उसका मैंने कुछ पेस्ट बनाना था तो मेरे मम्मी ने ऐसे उसमें से ला के डाल दी थी, तो ये बढ़िया सी आ रखी है इसमें, इसमें भी आई हुई है। और दिस इज मलबा स्पिनच, उसके फ्लावर्स और उसके फ्रूट्स है, वो ब्लैक कलर के फ्रूट्स। दिस इज मलबा स्पिनच फ्रूट्स, जो कि हम जब मेरे हाथों में मिट्टी लगी हुई है थोड़ी देर पहले, मैंने गमले में हाथ डाल दिया था, इसको हम ऐसे फोड़ते हैं तो इसमें से पिंक कलर का रस निकलता है, ये कच्चा था, और काला जो हुआ होता है ना उसमें से ज़्यादा रस निकलेगा। आई विल शो यू, और ये जो बीन्स होते हैं ये आप कहीं पे भी ऐसे फेंक दो वो वहीं पे उग जाएंगे, इसी कलर। और उसके जो लीव्स होते हैं वो खाए जाते हैं, बाज़ार में भी मिलते हैं आपको, लेकिन एक गमले में है तो शायद ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ये अगर ज़मीन में लग जाते ना तो बहुत बड़े बड़े उसके पत्ते निकल आते हैं। तो ये पालक है, सब्स्टिट्यूट का काम करता है, जो अपना पालक होता है नॉर्मल वाला स्पिनच, उसके लिए सब्स्टिट्यूट का काम करता है। सेम पालक जैसा फ्लेवर लगता है उसका, ये वेरी हेल्दी, एज हेल्दी एज पालक। गोटिया काय करतो है बाबू? अरे यार ये बंदा, आई मीन ये बिल्ला। काय पाहिजे तुला, काय करतो तू? वैसे मेरे बिल्लों को हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, उनको बचपन से मराठी में ही बोला गया है तो वो मराठी ज़्यादा समझते। और ये मेरी रोज़मेरी है, जो थोड़ी
दुर्लक्षित हो गई है ये मतलब इस पे ध्यान नहीं है हमारा, तो ये थोड़ा कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन इसका जो एरोमा होता है वो ऑसम होता है, और मैं ऑमलेट पे थोड़ा सा गार्निश वगैरह करके फ्राई करते समय खाती हूँ, काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। और ये मेरा छोटा सा करेला, करेला की भी पौधा। थोड़ा बिजी होने के कारण मेरे बालकनी में जो पौधे हैं उनकी ओर मेरा ध्यान नहीं है, जो कि अभी देख सकते हो आप थोड़ा सा मुरझा सुरझा गए, और धूप बहुत पड़ती है यहाँ पे, तो ठंडी के दिन होने के कारण हम सोचते हैं कि नहीं दिन में धूप ठीक ठाक आ जाएगी, लेकिन नहीं, बहुत ही सुलझने वाली धूप होती है जिसकी वजह से ये पौधे मुरझाने लगते हैं। फिर इनको रोज़ पानी देना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ़ वी आर इन विंटर्स। ये छोटू सा करेला आ चुका है, तो मैं एज अ सैलड खाने वाली हूँ इसको, मतलब जो अपना नॉर्मल मील होता है उसके साथ अगर आप छोटे छोटे करेले जो आते हैं वो खाते तो इट्स लाइक अ सैलड। और ये तुलसी बहुत ही हेल्दी पौधा है, तो ये क्या हुआ था नीचे जो नीचे दिख रही है जगह, वहाँ पे मुझे एक पौधा मिला था छोटा सा जगह पे, वहाँ से उठा के मैंने इसको ये कुंडी में लगा दिया था, गमले में लगा दिया था। उसका भी इतना बड़ा हो चुका है, इसके फ्लावर्स भी लग रहे हैं। फोकस, अरे फोकस क्यों नहीं आ रहा है, वाई वाई दिस कोला वेरी। और ये आप देख रहे हो, आप सोच रहे होगे कि ये क्या थाली वाली लगा रखा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई कैट्स। मेरे कैट्स जो है उनके जो मतलब जो भी उनके पसंदीदा पौधे होते हैं वो खाते हैं, पौधे भी खाते हैं, उनके रूट्स भी निकाल के फेंक देते हैं, तो उसके वजह से हमको ये ऐसे से ढक के रखना पड़ता है। देखो ही सो क्यूरियस दैट व्हाट इज देयर, आई वांट टू ईट। बच्ची और ये टर्टल वाइन है, जिसका आप एक छोटू सा इतू सा टुकड़ा भी लगा दोगे ना किसी गमले में तो ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा। तो मैंने तो ये खरीद के लाया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसे ही बढ़ता है, तो और मुझे मिला भी नहीं किसी दोस्तों के पास, तो मैंने ये सारी चीज़ें खरीद के लाई थी। तो ये भी जो है चीज़, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, आई विल पुट दिस ऑन यू नो वीडियो वाले एडिटिंग नेम ऑफ दिस प्लांट। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, एक्चुअली ये ऐसे नहीं था पहले, इतना भरा हरा भरा नहीं था, फोकस क्यों नहीं आ रहा है, ये पहले इतना हरा भरा नहीं था, तो मेरे बिल्ले क्या करते थे इस पे जाके बैठते थे ऊपर से, तो ये पूरा पूरा चपटा हो गया था ऊपर से, मतलब ऐसे दब गया था, और बस यहाँ पे पौधे थे ऐसे लटके हुए पत्ते थे, तो मेरी मम्मा ने उठा के ऐसे ऊपर रख दिया तो उसके रूट्स पकड़ लिए ऊपर से। आई विल शो, ये रूट्स पकड़ लिए ऊपर से, तो ये इतना मस्त भर गया है। सो कैमरा में इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, लेकिन सामने से बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसका भी आप इतना सा टुकड़ा निकाल लो, समझो ऐसे, आई विल शो यू ऐसे ऐसे, फोकस फोकस, व्हाट इज रॉन्ग, तो इतना सा अगर टुकड़ा आप तोड़ लो और ऐसे किसी पौधे में रख दो, ऐसे लगा दो, ये बढ़ जाएगा, आ जाएगा। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे छोटा सा डब्बा, जो अपना पार्सल आता है खाना उसका जो छोटा डब्बा होता है उसमें ये चीज़ें लगा रखी मैंने, ऐसे ही डाल दी थी। अरे देखो देखो यहाँ पे मिल गया, देखो वो चीज़, वो पौधा हमने यहाँ पे ऐसे ही लगाया था, रख दिया था इनफैक्ट,
तो आ चुका है। और ये टर्टल वाइन तो बहुत ही बढ़िया आती है, तो इसको भी ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, इसलिए ये इसके जो पत्ते हैं पीले हो रहे हैं। तो वीडियो एडिट करते समय मैं इन सब के जो नाम है वो डाल दूंगी अपने वीडियोस में। और ये भी, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, ये सक्यूलेंट प्लांट है जो कि ऐसे ही, मतलब एक डंडी अगर आप एक स्टेम लगा दोगे तो उसका भी आ जाएगा बढ़िया से। देखो इसमें भी टर्टल वाइन है, आपको हर जगह टर्टल वाइन दिखाई देगी, क्योंकि वो मेरे बिल्ले तोड़ते रहते हैं, ऐसे लटकता है ना, वो ऐसे ऐसे लटकता रहता है, तो उनको मज़ा आता है वो पकड़ के तोड़ने में। तो वो तोड़ते तो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, फिर उधर वो बढ़ने लगते हैं। ये क्या कर रहा है यार, मतलब क्या कर दो तू, कब से बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या ढूंढ रहा है, क्या खाना चाहता है पता नहीं, क्या पाइजे तुला, गोटिया, इसका नाम गोटिया है। तो सबसे सबसे लेजी और सबसे बदमाश बिल्ला है। ये मेरी बालकनी की जो अवस्था है, छोटी सी बालकनी है लेकिन जो ख़राब हो रखी है, इसका 80% श्रेय जाता है मेरे बिल्लों को, जो कि पूरा उध्वस्त कर देते, पूरा अस्त व्यस्त कर देते। ये ब्लू क्रिस्टल वाइन है, इसके बहुत ही सुंदर से नीले फ्लावर्स आते हैं इसमें, सो ब्यूटीफुल। तो ये पूरा भर जाता है, लेकिन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, मेरा बालकनी से मेरा ध्यान, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम की वजह से हिंदी का प्रभुत्व कम हो चुका है मेरा। ऑफिस में थी तो हिंदी में ज़्यादा बात होती थी, घर पे तो बस मराठी में होती है, तो हिंदी थोड़ा सा मेरा अजीबोगरीब निकलता है मुझसे। इस पे थोड़ा मिलीबग्स हो गया है, तो मिलीबग्स निकालने के लिए मैंने थोड़ा कटिंग कर दी हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा कटिंग करना बाकी है इसमें। ये देखो, ये इसे चलता रहता है दिन भर, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ए काय करता है तू, सिमरू, ये कोकोपीट जो रखी हुई है इसको भी पूरा, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैच करके निकाल दिया है। ये मनी प्लांट है, बहुत ही सुंदर और बढ़िया आ रखे थे, लेकिन उसमें जाके बैठ जाते हैं लोग, तो जिधर जरा बैठते हैं, जिस जगह बैठते हैं वहाँ पे देखो पत्ते ही नहीं है। कति पगलेट, ये बहुत ही पुराना पौधा है क्रिस्टल वाइन का, ब्लू क्रिस्टल वाइन। इसके फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, जब ये अच्छे हेल्दी होता है ना, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो हम लोग जो एलईडी लाइट्स लगाते हैं, एलईडी लाइट्स या फिर जो डेकोरेशन लाइट्स होते हैं वो लगाते हैं, ब्लू कलर की दिखती है, तो ये पूरे फ्लावर्स वो लाइट्स की तरह दिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। खाद वाद मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया बढ़ रखा है, फर्स्ट सीज़न में अच्छी फ्लावर्स देता है ये, लेकिन मिली बग्स के कारण थोड़ा सा मुरझा जाते हैं इसके फ्लावर्स। कि मिली बग क्या, मिली बग जो आपको पता है, वो सफ़ेद सफ़ेद कीड़े हो जाते हैं उस पर। आई विल शो यू इफ आई फाइंड एनी ऑफ द मिली बग्स। मिली बग्स तो नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ मिली बग्स मैंने थोड़ी देर पहले कट कर दिए थे, ये दूसरे हैं कीड़े। तो ऐसे जो मिली बग या फिर छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, इनके सारे जो न्यू ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कलियाँ होती है, वो खा देते हैं, और खाने के बाद देखो ये ब्राउन हो चुका है, जस्ट लाइक दैट द डू, और उसकी वजह से ये पूरा पौधा ख़राब हो सकता है, या फिर आपके पौधे पर फूल ही नहीं आएंगे। तो वही हुआ है मेरे पौधे के साथ, एक दो फूल दिख रहे, कलियाँ काफ़ी है, लेकिन वो खा रखी है, वो कीड़ों ने खाई हुई है। ये करेला इधर एक आया हुआ है, यहाँ पे एक है, दिस इज ऑल्सो करेला, गौरन, गौरन मतलब वो बोलते ना
जिसपे कोई ऑर्गेनिक बोल सकते हैं आप लोग गावरन बोले तो, या फिर जिसपे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई है, हाइब्रिड नहीं है, वैसे बोल सकते हो। करेला को बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे गोल गोल करेले आ चुके हैं। और ये पौधा है स्पिनच का, मलबर स्पिनच जो आपको ये पता है ना, ये जो फ्रूट्स लगे हुए हैं यही पौधा है ये मलबर स्पिनच। ये कहीं भी आ जाता है, आप उसके बीन्स डाल दो कहीं पे उग के आ जाएगा। और हाँ, ये मेरा हिबिस्कस है, इसमें भी कीड़े पड़े हुए हैं। ये बहुत ही मतलब पॉन्टू है नहीं, व्हाट वी कॉल उसको, क्या बोलते हैं, कीड़ पकड़ जाती है उसमें, कीटाणु लग जाते हैं, या क्या यार हिंदी मेरा, ओ माय गॉश, ये गोटिया मम्मी तू माझ्या मागं का फिरत होता सांग, तू माझ्या मागं का फिरत होता, ये है गोटिया, ये ही बदमाश थोड़ी देर पहले बालकनी में भी तरास दे रहा था, तकलीफ दे रहा था हमको, और अभी यहाँ पे भी। से हाय, हाय बोलो, हाय बोलो। ये जब खुश होते हैं ना तो पूछ हिलाते हैं, वो नीचे पूछ हिला रहा है, आई कांट शो यू दैट। गोटिया ये कैसे बैठ रहा है, मतलब बैठता नहीं है, बहुत ही बदमाश है, अभी नाखून मार के भागा था, फिर से भाग गया।